सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार और बेहद ही स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीरज गार्डनर में। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मिक्स फ्रूट पील आप कैसे फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि पौधों के लिए हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ख़ास करके फ्लावर प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स, इन सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। और वेजिटेबल प्लांट्स में भी आप इसको डाल सकते हैं जिससे कि वेजिटेबलिंग शुरू हो जाती है प्लांट पे। ये देखिए मेरे प्लांट पे टमाटो आपको दिख रहा होगा, इस पर वेजिटेबल आना शुरू हो गए हैं और इस पर अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही है, देख सकते हैं आप। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप फ्रूट के छिलकों के द्वारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और किस तरीके से इसका उपयोग करना है सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो वीडियो में लगातार बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पहले चलिए मैं आपको अपने प्लांट से मिला देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए जेड प्लांट है, इसकी हमने बोनसाई बनाई थी और इसमें ये दो बेल के पौधे उग रहे हैं, बेल का फल होता है उसके। और ये देखिए, ये हमने गेंदे के प्लांट लगाए हुए थे, फ्लावर प्लांट। और ये वेजिटेबल प्लांट है हमारे, टमाटो वगैरह। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी पहले भी कि टेरिस पे हम वेजिटेबल्स प्लांट कैसे लगा सकते हैं। और ये मेरा रोज़ का प्लांट है, इसकी फ्लावरिंग हो रही थी, अभी विंटर सीजन चल रहा है इस वजह से थोड़ी फ्लावरिंग इसकी कम हो गई है। और देखिए इसी में से एक और ये रोज़ का प्लांट निकला है, कितना ऊँचा गया है, देखिए काफ़ी ऊँचा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप फ्रूट के छिलकों के द्वारा बना सकते हैं फर्टिलाइज़र। तो देखिए, पहले तो हमें 5-6 केले के छिलके ले लेने, और उसी हिसाब से 5-6 हमको संतरे के छिलके ले लेने। फिर इन दोनों को ही अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। और उसके बाद हमें एक मग में लगभग 2 से 3 लीटर पानी ले लेना है, आप बोतल में भी पानी ले सकते हैं। और उसके बाद बहुत ही इजी मेथड है इसको बनाने का, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये। और फ्रेंड्स, अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर 10 दिन में अपने फ्लावरों में, फ्लावर प्लांटों में डालते रहते हैं तो अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कितने सारे फ्लावरिंग हो रही है इस प्लांट में, काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए वेजिटेबल प्लांट में भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। तो ऐसा ही आप भी कर सकते हैं और हर 10 दिन पे या 5 दिन पे आप इसको डालते रहें और आपके भी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाना है। हमें बहुत ही सिंपल तरीका है, इस छिलकों को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसमें डाल देना है वाटर में। वाटर में सही तरीके से डाल के उसके बाद इसको किसी चीज़ से हिला देना है ताकि ये अच्छे से वाटर में हमारा मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, अभी आप देखिए मैंने सारे ही छिलकों को वाटर में डाल लिया है और अब मैं इसको, एक लोहे की आरी का ब्लेड है मेरे पास, उससे मैं इसको अच्छे से हिला दे रहा हूँ, मिक्स कर दे रहा हूँ। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हल्के शेडी एरिया में, इसको सनलाइट एरिया में रख देना है, ढक के रखना किसी चीज़ से ताकि अच्छे से ये 2 दिन के लिए इसे छोड़ देना ताकि अच्छे से ये इसमें मिक्स हो जाए और पानी में इसके सारे पोषक तत्व आ जाएँ, जिससे कि ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं, केले के छिलके में पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे पौधों के विकास के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है और हमारे पौधों के विकास में काफ़ी सहायक होता है। फूल के पौधों में ये काफ़ी कारगर साबित होता है। और इसमें फास्फेट भी पाया जाता है, इससे हमारे पौधों को बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने में आसानी होती है। और फ्रेंड्स, ऑरेंज का जो छिलका होता है, ये इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कई लोग इसको सुखवा के उसके बाद इसका पेस्ट बना के फिर अपने स्किन पे भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारी स्किन काफ़ी अच्छी दिखने लग जाती है। तो उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये पौधों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। और अब इसकी डालने की विधियाँ बता देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आपको इसे डालना है, क्या क्या सावधानियाँ हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, आप जब भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में डालें, खास करके जैसे गुलाब के तरीके का पौधा है, अगर फ्लावर प्लांट है तो इसमें फंगस लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं, इसलिए आप एक दिन पहले ही इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लें इस तरीके से। और गुड़ाई करने के बाद आप इसमें हल्की वाटरिंग कर दें और वाटरिंग करने के बाद एक दिन के लिए इसे छोड़ दें। और उसके बाद जब आपके छत पर अच्छी सी सनलाइट निकलने लग जाए,
मौसम सही हो, साफ मौसम हो, ये ज़रूर देख ले। अगर बारिश जैसा मौसम होगा तो बिल्कुल ही ना इसका प्रयोग करें, वरना आपके पौधे में फंगस भी लग सकते हैं। और धूप जरूर हो ऐसा देख लें, धूप अगर निकल रही हो तो आप इसको डाल सकते हैं, निश्चय ही इसको पौधों में डाल दें और आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और इसमें फ्लावरिंग ही जल्दी देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड, अभी मैं इस लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को मैं एकदम छांव वाले एरिया में रख दूंगा और इसे 2 दिन के लिए ढक के छोड़ दूंगा ताकि अच्छे से इसमें सारे पोषक तत्व इसके आ जाएं, और उसके बाद दूसरे दिन मैं इसको अपने फ्लावर प्लांटों में अप्लाई करूंगा, यानी कि डालूंगा। और आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, प्लांटों पे स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होगी और पोषक तत्व ये पौधे अपनी लीव्स के द्वारा भी लेते हैं, तो स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छे से पौधों की ग्रोथ होगी। तो आप इसको मिट्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे वेजिटेबल प्लांट पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर में से बाद में ये टमाटो भी निकल रहे हैं। तो ये मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही असर है, और आप भी ऐसा करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें अपने प्लांटों में, जिससे कि आपके भी प्लांट काफ़ी अच्छे, हेल्दी और सुंदर दिखेंगे और तेज़ी से इनका विकास होगा। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।